माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल की। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है सेक्यूटरल प्रैक्टिस चैप्टर वन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या चीज़ें दी गई है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले के वीडियोज में हमने देखा कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, फिक्स वर्किंग कैपिटल क्या है एंड वर्किंग कैपिटल क्या है, सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की। अब हम लोग इसके डिस्टिंक्शन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज फिक्स कैपिटल एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। तो पहला मीनिंग क्या कहता है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग कैपिटल इन टू अ फिक्स असेट दैट इज फिजिकल असेट इज नोन एज फिक्स कैपिटल। जब आप फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल असेट दैट इज फिक्स असेट। और जब आप किसी भी तरीके के फिक्स असेट में पैसा लगाते हो, सर फिक्स असेट मतलब क्या, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, मोटर वैन, मोटर कार, ये जो चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते, फील कर सकते हैं और ये सालों साल के लिए हम लोग खरीद रहे हैं, तो उसे हम लोग फिक्स कैपिटल कहने वाले हैं। सेकेंड, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ करंट असेट। सर ये करंट असेट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था, करंट असेट मतलब स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, यानी ऐसे टाइप के असेट जिसका पैसा हम आने वाले एक साल के अंदर रिकवर करने वाले हैं। एक साल के अंदर रिकवर किया करंट असेट, ठीक है, एक साल के ऊपर रिकवर नहीं कर पाए, नहीं कर सकते, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज फिक्स्ड असेट। सेकेंड, नेचर क्या कहता है, इट स्टेज इन द बिजनेस ऑटमोस्ट परमानेंटली। फिक्स कैपिटल जो होता है, फिक्स असेट जो होता है, वो ऑलमोस्ट परमानेंट तरीके से होता है, बट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो एक सर्कुलेटिंग कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है, सर्कुलेटिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम, समय समय पर ये बदलते रहता है। थर्ड पॉइंट, वॉट इज द पर्पज ऑफ द फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जब आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो, फिक्स असेट जैसे लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट में लगाते हो, वो आपका फिक्स कैपिटल है। बट वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट लाइक कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स और बिल रिसीवेबल, जैसे मैंने डिस्कस किया, तो ये वर्किंग कैपिटल हो जाता है। क्लियर। सोर्सेस, फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एटसेट्रा। मतलब फिक्स कैपिटल का पैसा हमें कहां से मिल सकता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिक्स कैपिटल का पैसा आपको शेयर्स बेचकर, डिबेंचर्स बेचकर, बॉन्ड या लॉन्ग टर्म लोन्स के जरिए मिल सकता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट एंड ट्रेड क्रेडिट्स। लेकिन वर्किंग कैपिटल का पैसा आपको शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट और ट्रेड क्रेडिट के थ्रू मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर, इस फिक्स कैपिटल में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर का नेचर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर का नेचर क्या होगा। द इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, यानी जो इन्वेस्टर फिक्स कैपिटल में पैसा लगाता है वो फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है। लेकिन इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न, लेकिन जो इन्वेस्टर वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना चाहता है वो इमीडिएट रिटर्न, तुरंत रिटर्न की आशा रखता है कि मुझे जल्द से जल्द पैसा मिले, एक दिन, दो दिन, पंद्रह दिन, बीस दिन, पच्चीस दिन, छह महीने तक, ये इमीडिएट रिटर्न, एक साल के अंदर का वो इमीडिएट रिटर्न चाहता है, तो वो वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाएगा। लेकिन जो लंबे समय के प्रॉफिट के बारे में सोचता है, जो फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में सोचता है, वो फिक्स कैपिटल में पैसा लगाता है। रिस्क, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल हैज मोर रिस्क। जो बंदा फिक्स कैपिटल में पैसा लगाएगा, जो इन्वेस्टर फिक्स कैपिटल में निवेश करता है, उसे ज्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू वर्किंग कैपिटल, और जो इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में करता है वो लेस रिस्की होता है। क्या होता है, लेस रिस्की। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले के लॉन्ग आंसर्स करने के टाइम पर किए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस डिस्टिंक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो आपका आंसर है वो इस तरीके से प्रेजेंट करना है, जहां पर आपको पॉइंट्स जरूर लिखना है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश बोला है, तो पहले फिक्स कैपिटल फिर वर्किंग कैपिटल,
बट कभी कभी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल बोलता है, तो पहला कॉलम विल बी वर्किंग कैपिटल, सेकेंड कॉलम विल बी फिक्स कैपिटल। तो क्वेश्चन जिस सिक्वेंस में पूछा है, जिस सिक्वेंस में आपको क्वेश्चन पूछा, उसी तरीके से आपसे आंसर एक्सपेक्टेड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक किए, अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको डेली एमसीक्यूज के साथ साथ आपको सारी टेस्ट सीरीज नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।